Hello, my dear ones. How's it going? Hoping that you all are safe, sound and happy. This is your YouTube buddy Kiara. I'm a 17-year-old 11th grader just like you people. And today, I'm back with another English explanation. आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल का चैप्टर 5, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जिसके ऑथर हैं नानी पालखीवाला। ये चैप्टर हमारे टर्म 2 एग्जाम्स के सिलेबस का एक पार्ट है एंड सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली अ लेसन और अ स्टोरी बट एन आर्टिकल विच वॉज पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इन 1994, यानी कि आज से करीब 28 ईयर्स पहले। अब ये तो हम टाइटल से ही समझ गए कि इस चैप्टर में हम ग्रीन मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एलिंग प्लैनेट? द वर्ड एलिंग मीन्स सिक, यानी बीमार। एक तरह से ऑथर ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि हमारा प्लैनेट अर्थ बीमार है, इट्स हेल्थ इज डिट्योरेटिंग, दैट इज बिकमिंग वर्स। और ऐसा क्यों है वो तो आप जानते ही हो, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सो ऑन। वी वुड डिस्कस ऑल दीज थीम्स इन दिस वीडियो। अब चैप्टर पहले से ही बहुत लेंदी है तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा या बोरिंग नहीं बनाएंगे। हम इसे एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में पढ़ेंगे जो कि रिविजन के लिए द बेस्ट है और समझने के लिए भी। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट स्टार्टेड। आर्टिकल में सबसे पहले हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है ग्रीन मूवमेंट का कि ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ था। तो नानी पालखीवाला कहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं रही है जिसने ह्यूमन रेस यानी हम इंसानों को इतने बढ़िया तरीके से इंट्रांस किया हो, जिसने हमारी इमेजिनेशन को ग्रिप किया हो यानी होल्ड किया हो। ऐसी कोई मूवमेंट नहीं रही है जैसे कि ग्रीन मूवमेंट है जो कि 25 ईयर्स पहले शुरू हुई थी। अब ये आज से नहीं, ये 1994 की बात करें तो 1994 से 25 साल पहले तक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ग्रीन मूवमेंट, दैट इज़ इन 1972। 1972 में पूरी दुनिया का सबसे पहला ग्रीन पार्टी वो जो थी फॉर्म हुई थी न्यूजीलैंड में, और उसके बाद से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक, यानी कि ग्रीन मूवमेंट ने 1972 के बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी कि ये आगे बढ़ती रही और हम लोग इसे फॉलो करते रहे। अब हम इंसानों के माइंडसेट में एक चेंज आया है कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह से देखते हैं। पहले हम लोग एक मैकेनिस्टिक व्यू रखते थे यानी रोबोटिक व्यू रखते थे, हम एनवायरनमेंट के प्रति एक नॉन केयरिंग एटीट्यूड रखते थे यानी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब हम शिफ्ट हो चुके हैं, हमारा माइंडसेट शिफ्ट हो चुका है और अब हम एनवायरनमेंट के प्रति, वर्ल्ड के प्रति एक होलिस्टिक यानी कि एक ऑलराउंडर और इकोलॉजिकल व्यू रखते हैं, यानी अपने नेचर का ख्याल रखते हैं। एंड वन होप्स इररिवोकेबली का मतलब है अनचेंजेबली, जो चेंज ना हो। तो नानी पालखीवाला उम्मीद करते हैं कि हमारे माइंडसेट में ये जो चेंज हुआ है, ये वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चेंज परमानेंट हो, टेम्प्ररी ना हो। और ये जो माइंडसेट का शिफ्ट है इन ह्यूमन परसेप्शंस यानी ह्यूमन माइंडसेट में, ये जो शिफ्ट आया है ये बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी है। ये उतना ही रिवोल्यूशनरी है जितना कि कॉपरनिकस की डिस्कवरी, जिसने 16th century में मैनकाइंड को यानी इंसानियत को ये बताया था कि सूरज के आसपास अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे पहले लोगों का यही मानना था कि सन नहीं होता और मोस्टली जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको इतनी समझ नहीं थी। तो जैसे वो कॉपरनिकस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, ऐसे ही हमारा ये जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ ये भी रिवोल्यूशनरी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको समझ आई है, कॉन्शियसनेस आई है कि जो अर्थ है वो एक नॉन लिविंग नहीं, एक लिविंग स्ट्रक्चर है, एक ऐसा इनॉर्मस यानी कि एक बहुत ही बड़ा बीइंग है जिसके हम हिस्से हैं, हम पार्ट्स हैं। उसकी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं। मेटाबॉलिक नीड्स क्या होती हैं? जैसे हमारे शरीर की मेटाबॉलिक नीड्स हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये हमारी मेटाबॉलिक नीड्स हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए, ऐसे ही अर्थ की भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं जैसे कि वाटर साइकिल, टेम्परेचर रेगुलेशन। और इसीलिए इसके जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको प्रिजर्व करना चाहिए यानी कि प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब अर्थ है वो कुछ ऐसे साइंस दे रही है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस रिवील कर रही है यानी बता रही है, जिससे कि ऐसा लगता है देखने में जैसे कोई पेशेंट हो जिसकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही हो। अब हमें अर्थ एक मरीज की तरह दिखती है, उसकी हेल्थ इतनी बिगड़ने लगी है।
और इसीलिए धीरे धीरे हमें भी ये रियलाइज होते जा रहा है, हमें भी अब अंदर ही अंदर ये महसूस होने लगा है कि हमारी अर्थ के प्रति एक एथिकल ऑब्लिगेशन है, यानी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस प्लैनेट के अच्छे स्टीवर्ड्स बने, स्टीवर्ड्स यानी कि मैनेजर्स बने और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बने हमारी इस लेगेसी के। लेगेसी होती है विरासत, तो हमें अपने फ्यूचर जनरेशंस को ये अर्थ देनी है तो अच्छी हालत में देनी है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अर्थ के प्रति अपने को पहचाने और उसके अच्छे मैनेजर्स बने, उसका ख्याल रखें। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आइडिया के साथ तो आप वाकिफ होगी ही, आखिरकार हमने 10th के एसएसटी में भी पढ़ा था। खैर, ये शुरू कब हुआ? इसको पॉपुलराइज किया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इन 1987, यानी 1987 में इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। तो वर्ल्ड कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका आइडिया दिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि जो अब की हमारी ज़रूरतें हैं, जो अब की हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। यानी कि हम अपनी तो नीड्स पूरी कर ही रहे हैं लेकिन हम अपने फ्यूचर जनरेशंस, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेज को बचा रहे हैं, हम उनकी नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। स्ट्रिपिंग यानी कि रिमूविंग, तो हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रिप ना करें, उनको हटाएं ना, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें यूज कर सकें। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जाम्बिया के लुसाका में एक जू है, उसके अंदर एक केज है, एक पिंजरा है, जिसके अंदर एक नोटिस पड़ता है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब आप लोग सोचेंगे आखिर ये कैसा जानवर है जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस है, सबसे खतरनाक है? तो जब आप अंदर झांकेंगे तो आपको एक शीशा दिखेगा, आपको एक मिरर दिखेगा। दिस मीन्स कि और कोई नहीं बल्कि हम इंसान ही इस दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि हम जहां जाते हैं वहां के इकोसिस्टम को बर्बाद कर देते हैं अपनी नीड्स के लिए। अब कई ऐसी एजेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज में जिनके कारण ये रियलाइजेशन अब फैलने लगी है। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। डॉन्ड यानी कि बिगिन, यानी कि अब हम अवेयर हो गए हैं कि हम क्या क्या खतरे पोज करते हैं जानवरों के लिए और इकोसिस्टम के लिए। अब हम लोगों ने रियलाइज कर ली है द विजडम, यानी कि हमने ये समझ लिया है कि क्या समझदारी है, किस चीज़ में समझदारी है। शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनर, यानी कि अब हमें हर चीज पर डोमिनेशन नहीं करनी है, हर चीज पर कंट्रोल नहीं करना कि हम एनवायरनमेंट पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, जानवरों पर भी कंट्रोल करने हैं। नहीं, हमें अब एनवायरनमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, हमें उसके साथ पार्टनरशिप करनी है, हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है। ये बात हम जान चुके हैं। हमारे साइंटिस्ट्स ने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, एक कैटलॉग बनाया हुआ है उन सारी स्पीशीज़ का जिनके साथ हम अर्थ को शेयर करते हैं, जो हमारे साथ इस अर्थ पर रहती हैं, और उनकी काउंटिंग करीब 1.4 मिलियन है। और एस्टिमेट्स यानी कि जो अंदाजे हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं हर जगह। और कई सारी अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़ भी हैं जिनके बारे में किसी को कोई कुछ नहीं पता, दैट इज़ उनके बारे में कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप सोचिए 1.4 मिलियन जब ऑलरेडी हमारे लिस्ट्स में हैं, रिकॉर्ड्स में हैं, तो ऐसी कितनी ही स्पीशीज़ होंगी जो कि लिस्ट में नहीं हैं, जिनको पहचाना नहीं गया। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो रेकन करते हैं, यानी थिंक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि 3 से लेके अबाउट 100 मिलियन और भी लिविंग स्पीशीज़ हैं जो कि लैंग्विश, दैट इज़ दे एग्जिस्ट अननोइंगली, निग्लेक्टेड, अननेम्ड, जिनका कोई नाम भी नहीं है, इन इग्नोमिनस डार्कनेस, यानी कि एक डिस्ग्रेस्ड डार्कनेस में वो एग्जिस्ट करती हैं कि उन्हें कोई नहीं पहचानता, वो एक अंधेरे का जीवन बिता रही हैं क्योंकि हमें उनके बारे में आज तक कुछ नहीं पता। अब वैसे तो एनवायरनमेंट के ऊपर कई इंटरनेशनल कमीशन्स हो चुकी हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ देम जो कि डील कर रही थी इंटरेलिया यानी अमंग अदर थिंग्स, वो डील किससे कर रही थी? विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांट कमीशन। तो ब्रांट कमीशन था एक इंटरनेशनल कमीशन जो कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ डील कर रहा था अमंग अदर थिंग्स, और उसके अंदर एक इंडियन भी थे उनके मेंबर्स में, मिस्टर एल के झा। तो जो सबसे पहली ब्रांट रिपोर्ट थी उसने एक सवाल उठाया कि क्या हम अपने सक्सेसर्स को, यानी अपनी आने वाली पीढ़ी को, एक स्कॉर्च्ड प्लैनेट यानी एक बर्न्ड विद हीट प्लैनेट यानी जो जल चुका है, सूखा प्लैनेट, ऐसा प्लैनेट छोड़ के जाएंगे ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जहां पर हर जगह रेगिस्तान ही रेगिस्तान है,
इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स यानी पुअर लैंडस्केप्स जहाँ कोई नज़ारा नहीं है देखने को, एंड एलिंग एनवायरनमेंट जहाँ का एनवायरनमेंट बीमार है। उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि आखिर ये हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे अपनी हरकतें तो हमारे सक्सेसर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मिस्टर लेस्टर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट नाम से, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जो अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है यानी जो मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो चार हैं, फिशरीज यानी जितनी भी हमारी ओशंस रिवर्स हैं वाटर सिस्टम्स, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, और यही फाउंडेशन बनाती हैं यानी बेस बनाती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। ये चारों बायोलॉजिकल सिस्टम्स हमारा फूड भी सप्लाई करते हैं यानी हमें हमारा खाना भी इनसे मिलता है, और ये हमें जितने भी रॉ मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में वो सब प्रोवाइड करते हैं, ऑल एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स यानी आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। तो जितने भी बड़े बड़े एरियाज हैं इस दुनिया के, वहाँ पर क्या हो रहा है कि इन सिस्टम्स पर जो ह्यूमन क्लेम्स हैं यानी कि जो इंसान अपना कंट्रोल जमा रहा है वो एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुँच रहे हैं यानी वो एक अनबैलेंस्ड लेवल पर पहुँच रहे हैं। हम इतना कंट्रोल जमा रहे हैं, हम इन सिस्टम्स को इतना एक्सप्लॉयट कर रहे हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड इट इज़ अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बींग इम्पेयर्ड यानी कि वीकनिंग और गेटिंग डैमेज्ड। तो हम उनको इतना यूज़ कर रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे खराब हो रही हैं, वो कमजोर हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, फिशरीज कोलैप्स हो जाती हैं, हमारा वाटर सिस्टम बंद हो जाता है, फॉरेस्ट डिसअपीयर हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, बैरन यानी कि अनफर्टाइल जो बंजर जमीन होती है, वेस्टलैंड्स जहां पर हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, खेती भी नहीं कर सकते, एंड क्रॉपलैंड्स डिटियोरेट यानी कि डिक्लाइन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और उनकी जो हालत है वो वर्स हो जाती है। जो आज का ज़माना है ना वो बहुत ही प्रोटीन कॉन्शियस है, बहुत ही प्रोटीन हंग्री है, हमें अपने डाइट में प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है, फिश, और फिश के लिए इसीलिए ओवर फिशिंग होती है, वो बहुत ही कॉमन हो गई है। जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो लोकल फॉरेस्ट्स हैं उनको डेसिमेट किया जा रहा है यानी उन्हें रिड्यूस किया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, किस लिए, फायरवुड के लिए। फायरवुड जानते हैं आप, जो चूल्हे में हम मतलब ईंधन डालते हैं ना, लकड़ियाँ जो होती हैं उसको फायरवुड कहते हैं, और कुछ जगहों पर फायरवुड इतनी महंगी हो गई है कि एक कहावत बन गई है कि अब जो चूल्हे के अंदर जाता है ना वो ज़्यादा महंगा है, किससे, जो खाना बन रहा है उससे। वॉट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट्स मोर देन वॉट गोज इनसाइड इट। अब इस कारण क्या हो रहा है, डॉक्टर मेयर्स क्या कहती हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स इज द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है लेकिन हम इन्हें काटते जा रहे हैं, और इसी कारण ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये जो तबाही हो रही है, बहुत सारी स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अब एक बात बहुत ही पते की कही गई है कि फॉरेस्ट्स प्रिसीड मैनकाइंड यानी इंसानियत से पहले जंगल आते हैं, प्रिसीड यानी कम बिफोर, और डेजर्ट्स फॉलो यानी इंसानियत के बाद डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान आते हैं। तो जो वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमनी है, एंशियंट यानी प्राचीन, और पैट्रिमनी यानी कि द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर यानी कि जो हमें विरासत में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स मिले हैं, अब क्या हो रहा है उनके साथ, दे आर इरोडिंग यानी दे आर गेटिंग डैमेज्ड एट द रेट ऑफ 40-50 मिलियन एकर्स अ ईयर। हर साल हम करीब 40-50 मिलियन एकर्स खो देते हैं फॉरेस्ट्स के, और अब जो ग्रोइंग यूज ऑफ डंग है फॉर बर्निंग, क्या हो रहा है कि जो डंग होता है, काउ डंग हमने सुना है ना, गोबर जो होता है उसको अब जला दिया जाता है, जिसके कारण जो मिट्टी है उसको एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा। वर्ल्ड बैंक ये एस्टिमेट करता है कि एक 5-fold यानी 5 times इंक्रीज होगा रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लानिंग में, उसकी ज़रूरत है, तभी जाकर हम जो एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड है यानी कि जो ईंधन की जो डिमांड है ईयर 2000 में उससे कोप कर पाएंगे यानी डील कर पाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जेम्स स्पेथ ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकंड, यानी कि अब तक तो हम यही कह रहे थे कि हम हर एक सेकंड एक एकड़ ऑफ फॉरेस्ट खो देते हैं, लेकिन इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकर एंड अ हाफ टू अ सेकंड, यानी कि अब हम हर सेकंड एकर एंड अ हाफ फॉरेस्ट खो देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 48A है जो कि ये बोलता है दैट द स्टेट शैल एंडेवर यानी कि ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग। नाउ स्टेट को क्या ट्राई करना है, क्या एंडेवर करना है, कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें, और जितने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हैं उनको सेफ गार्ड करें। लेकिन क्या एंडलेस एंग्विश हो रहा है हमें
एंग्विश यानी कि पेन, ये हमारे एक दर्द का कारण है कि जो लॉज हैं उनकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की जाती और उनको कभी एनफोर्स नहीं किया जाता इंडिया में। ये एक बहुत ही दर्द की बात है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहता है कि कास्टिज्म यानी कि जो जातिवाद है, अनटचेबिलिटी है और बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी है, उसको अबॉलिश कर देना है यानी एंड कर देना है। लेकिन इवन आफ्टर द 44 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया है, लागू हुआ है, उसके बावजूद ये सब कंटिन्यू हो रहा है। पार्लियामेंट की जो एस्टिमेट्स कमेटी है उसने एक रीसेंट रिपोर्ट दी थी और उसके अंदर ये बात हाईलाइट हुई थी कि द नियर कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक होता है डिजास्ट्रस, बहुत ही भयानक डिप्लीशन हो रही है। डिप्लीशन यानी कि रिडक्शन हो रही है इंडिया के फॉरेस्ट्स में ओवर द लास्ट 4 decades यानी पिछले 40 सालों से एक बहुत ही भयानक रिडक्शन हो रही है फॉरेस्ट्स में। अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इंडिया अपने फॉरेस्ट्स को एट अ रेट ऑफ 3.7 million acres अ ईयर खो रहा है। लार्ज एरियाज जिनको ऑफिशियली हमने फॉरेस्ट लैंड का नाम दिया था अब वर्चुअली ट्रीलेस हैं यानी कि उनके अंदर पेड़ बचे ही नहीं तो आखिर वो कैसे जंगल हुए। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स है यानी जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, ये माना जाता है कि जो एक्चुअल लॉस हो रहा है फॉरेस्ट्स का वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स से भी 8 गुना ज़्यादा है। इट इज़ अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। तो मतलब हमें अभी रियल डेटा का तो कुछ नहीं पता, इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है फॉरेस्ट्स का। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि एक स्टडी कंडक्ट की 3 साल की यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी और उसके अंदर उसने कुछ ऑब्जर्व किया और बाद में वार्न किया कि हमारा एनवायरनमेंट इतना डिटेरियरेट हो चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि इट इज़ क्रिटिकल, दैट इज़ इन अ वेरी सीरियस कंडीशन इन मैनी ऑफ द 88 countries इन्वेस्टिगेटेड। यानी 88 countries की इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उनके एनवायरनमेंट की हालत बहुत बहुत बुरी है। तो अब इस बारे में तो कोई शक रहा नहीं कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स है डिस्टॉर्टिंग यानी डिस्टर्बिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण है। तो मैनकाइंड को यानी इंसानियत को 1 million से भी ज्यादा साल लगे थे करीब 1 billion होने में, यानी करीब 1 billion इंसान बनने में 1 million साल लग गए और ये तो करीब 1800 year के अराउंड पॉपुलेशन थी। बाय द ईयर 1900 यानी 100 सालों में क्या हुआ, एक और 1 billion आ गया। यानी पहले तो केवल यानी पहले मिलियन ईयर्स लग गए थे 1 billion बनने में, लेकिन दूसरा 1 billion बनने में केवल 100 साल। इतनी गंदी तरह से जो रेट थी वो बढ़ रही थी वर्ल्ड पॉपुलेशन की। एंड 20th century में क्या हुआ, 3.7 billion पीपल और ऐड हो गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 billion। ऑफकोर्स अब तो पॉपुलेशन और ग्रो हो गई है क्योंकि ये आर्टिकल 1994 का था। ये कहा गया है कि हर 4 दिनों में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बाय 1 million इंक्रीज हो रही है, यानी इतनी फास्ट रेट पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वो अब उनकी फर्टिलिटी गिर रही है, यानी वो ज़्यादा फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन स्प्रेड हो रही है और हेल्थ इंप्रूव हो रही है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कॉन्ट्रासेप्टिव आप जानते हैं बर्थ कंट्रोल का एक मेथड होता है, तो जो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही है उससे फर्टिलिटी गिर रही है, यानी कि ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन मतलब उसमें एक कॉन्ट्रासेप्टिव लग गया यानी बर्थ कंट्रोल लग गया। बट डेवलपमेंट इट्सेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी अगर जो प्रेजेंट इंक्रीज चल रहा है नंबर्स में, पॉपुलेशन में, वो कंटिन्यू होता रहता है। आजकल का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो सबके लिए सस्टेनेबल नहीं है। जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो बिगेट कर रहे हैं चिल्ड्रन को, यानी बर्थ दे रहे हैं उन बच्चों को, जिसके कारण इट कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, यानी कि उनके ऊपर एक फोर्सफुलनेस से गरीबी थोपी जा रही है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। अब इसका क्या मतलब है, जो गरीब फैमिलीज होती हैं ना वो क्या सोचती हैं कि अगर घर में ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम ज़्यादा बच्चों को मजदूरी पर भेज सकते हैं तो वो घर में और पैसा लेके आएंगे। तो ये नहीं है, ये मतलब नहीं है कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो यानी कि ज़्यादा पैसा, बट लेकिन मोर पीपल विदाउट वर्क यानी मोर पीपल विच आर अनएम्प्लॉयड। अब इट इज़ नॉट सजेस्टेड कि ह्यूमन बींग्स को हम कैटल यानी गाय भैंस की तरह ट्रीट करें और उनको कंपल्सरिली स्टेरिलाइज कर दें, लेकिन अब कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग का विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ फोर्स। अब आप जानते हैं इंडियन फैमिलीज में कोई जल्दी से फैमिली प्लानिंग करता ही नहीं है, जब तक गवर्नमेंट कोअर्जन यानी फोर्स का यूज़ नहीं करती तब तक फैमिली प्लानिंग नहीं होती है। तो अब हमारे पास एक चॉइस है जो कि है बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि पुअरनेस
एंड परपेचुएशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब 1994 के दौरान भी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो करीब 920 मिलियन थी, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। यानी अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को भी मिलाओ ना तो भी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा निकलती है। तो अब मोस्टली जितने भी कंडीशंस हैं इंडिया की, अगर कोई उससे फैमिलियर नहीं होगा यानी जाना पहचाना नहीं होगा, तो वो यही डाउट करेगा, वो यही सोचेगा कि जितने भी लोग हैं उन बेचारों की जो होप है, जो उम्मीद है, वो उनके हंग्री हटमेंट्स यानी कलेक्शन ऑफ हट्स में, वो इतने भूखे हैं उन्हीं में उसकी उम्मीद गिर जाएगी, उन गरीब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो मर जाएंगी, अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और आज भी इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कुछ खास लॉज नहीं है। पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में वी आर सीइंग अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग यानी ग्रोइंग। तो अब एक ये जो कंसर्न है, ये सोच विचार जो है ये बढ़ता जा रहा है कि केवल पीपल ही नहीं बल्कि प्लैनेट भी सर्वाइव करे, प्लैनेट के बारे में भी सोचा जा रहा है। अब हम एक होलिस्टिक यानी ऑलराउंडर व्यू लेने लग गए हैं, थिंकिंग अबाउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि हम क्यों जिंदा हैं, हम एनवायरमेंट के कारण ही जिंदा हैं। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो केवल हमारा डिमाइस यानी हमारी डेथ की ओर सिग्नल कर रही हूँ, वो हमारा फ्यूचर का पासपोर्ट है। अगर हम इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। अब जो इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन है, जो हमारा एक विजन है वर्ल्ड के प्रति, इट हैज़ अशर्ड यानी ब्रॉट इन, गाइडेड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब हम सबको जिम्मेदार नागरिक बनना है इस वर्ल्ड का। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, जिससे कि हम इस पूरी दुनिया को एक इंटीग्रेटेड होल देखते हैं, यानी एक यूनाइटेड पिक्चर देखते हैं इस दुनिया की, रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। अब हम इस पूरी दुनिया को एक मानते हैं, हम इसको अलग अलग लेकर नहीं चलते हैं। इंडस्ट्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अगर जितने भी बिजनेसमैन हैं, ज़्यादातर बिजनेसमैन किसका व्यू शेयर किए, किसके तरह सोचें, चेयरमैन ऑफ ड्यूपोंट मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, जिन्होंने करीब 5 साल पहले यानी 1994 से 5 साल पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया एज द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। मोस्टली सीईओ होते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने कहा नहीं मैं एग्जीक्यूटिव नहीं, मैं एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ। उन्होंने एनवायरमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है, जो हम जिंदा हैं एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, उसकी ज़रूरत ये है कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी एक्सेल करें, यानी हम एनवायरमेंट पर भी ध्यान दें। मार्गरेट थैचर यानी जो यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन उनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की, नन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली यानी क्लियरली, इतनी क्लियर कोई स्टेटमेंट नहीं रही इनटू द करेंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिसिटस वर्ड्स। फेलिसिटस यानी कि वेल सैड। तो उनके बहुत ही वेल सैड वर्ड्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। फ्री होल्ड यानी कि एक परमानेंट पोजिशन नहीं है किसी के पास इस अर्थ की, ठीक है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी। टेनेंट क्या होता है? रेंट जो देता है। तो हमारे पास केवल एक रेंटेड लैंड है, ये रेंटेड जमीन है विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, यानी कि जब हम इसे छोड़ के जाएंगे, लीज यानी कंडीशन, तो हम जब इसे छोड़ के जाएंगे तो हमें इसे रिपेयर भी करना पड़ेगा, हमें इसे कच्ची हालत में रखना है। मार्गरेट थैचर ने ये कहा था। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, उन्होंने ये कहा कि हमने इस अर्थ को अपने फोर फादर्स यानी कि अपने एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से नहीं इनहेरिट किया है, हमने इसे अपने बच्चों से बोरो किया है, यानी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये धरती है और हमने उनसे इस अर्थ को बोरो किया है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर द एलिंग प्लैनेट खत्म होता है। आई गेस ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है नानी पालखी वाला ने, एंड इट इज़ फुल ऑफ लाइफ लेसन्स फॉर अस जो कि अभी इस जनरेशन में हैं, कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी बारी है, आप मुझे बताइए कि आपको मेरा समझाना पसंद आया या नहीं, जो मेरे समझाने का तरीका है, क्योंकि मैं भी क्लास 11th की एक स्टूडेंट हूँ। आई रियली नीड सम अप्रिसिएशन फ्रॉम यू गाइज इफ आई डिजर्व इट। Also, give this video a big thumbs up and share it with your friends and classmate too, जिससे कि हमारे जो अब ये family है ये और जल्दी जल्दी बढ़े। Thank you so much for watching guys. Bye bye.